सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉग बस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। UPSSSC फीमेल हेल्थ वर्कर वैकेंसी 2024। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एप्लीकेशन प्रोसेस 28 अक्टूबर से शुरू होकर 27 नवंबर 2024 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होगी। कैंडिडेट UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर 27 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि इन पदों के लिए केवल PET 2023 परीक्षा पास करने वाले ही आवेदन कर सकते हैं। जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकती हैं। अप्लाई करने के लिए PET 2023 परीक्षा पास होना अनिवार्य है। वहीं आवेदन करने के बाद कैंडिडेट 4 दिसंबर 2024 तक अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस उम्र तक की महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं और चयन कैसे किया जाएगा। UPSSSC फीमेल हेल्थ वर्कर रिक्रूटमेंट 2024। आवेदन की योग्यता। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं परीक्षा पास होना अनिवार्य है। वहीं अभ्यर्थी के पास ANM सहायक नर्स मिडवाइफ का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ ही यूपी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। UPSSSC फीमेल हेल्थ वर्कर भारती 2024। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। उम्र आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट को सरकार के नियमानुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। UPSSSC फीमेल हेल्थ वर्कर वैकेंसी 2024। एप्लीकेशन फी कितनी है। एप्लीकेशन फीस इस वैकेंसी के लिए सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को ₹25 आवेदन फीस देना होगा। फीस ऑनलाइन मोड में जमा कर सकते हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन आयोग ने 14 अक्टूबर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। UPSSSC वैकेंसी 2024। कैसे होगा सिलेक्शन। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों पर आवेदकों चयन मुख्य परीक्षा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जरिए किया जाएगा। आयोग ने अभी एग्जाम डेट नहीं घोषित की है। परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी सफल आवेदकों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।